So last time we have discussed some theorems that a dual of a dual is primal. Then we did weak duality theorem that if any problem is of your primal is minimization problem, then if you write the dual, the value of the objective function for any feasible solution for the primal problem will always be greater than equal to the value of the objective function in dual problem, right? Then we did strong duality theorem. कि अगर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन प्राइमल का एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा आपका ड्यूअल का भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों सोल्यूशन जो आप होंगे आपकी ऑप्टिमल वैल्यू जो होगी वो सेम होगी. ठीक है, द सेम. थैंक यू. इफ यू हैव ड्यूअल प्रॉब्लम, इफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज एग्जिस्टिंग फॉर योर ड्यूअल प्रॉब्लम, देन ऑब्वियसली your optimal solution will exist for your primal and both have same value. Then we did the existence theorem. वो यही बताती है कि चाहे आप कोई भी problem solve करो, primal or dual, अगर एक का feasible या optimal solution आ रहा है तो दूसरे का भी feasible या optimal solution आएगा. और एक हमने किया था that अगर आपकी एक unbounded solution आ रही है तो दूसरे का क्या आएगा, इनफिजिबल सोल्यूशन होगा. अगर एक किसी प्रॉब्लम का इनफिजिबल आ रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम का क्या होगा, या तो वो अनबाउंडेड होगी या उसका फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. राइट, नाउ वी आर स्टार्टिंग सम पार्ट व्हेन वी सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी टेल द आंसर ऑफ अनदर प्रॉब्लम. वी नीड नॉट टू सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स. इफ वी आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम आई कैन टेल द ऑप्टिमल सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट for your another problem, right? This is bit confusing part, so listen carefully what I'll tell you. So we will start that. First I will explain. Now there are two ways to find the solution from one problem to another problem. So in one we will use the complementary slackness theorem. We are not doing the proof of this theorem, but we will use this theorem to find the solution of another problem. So what it says that if xk is basic variable in primal problem, if xk is, we say any solution is primal problem, then corresponding to kth constraint in dual, dual problem, slack or surplus variable will be zero. So listen, understand the theorem carefully. So what it is saying कि अगर आपका एक्स के बेसिक वेरिएबल है, प्राइमल प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व किया जब आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाले, राइट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग kth कंस्ट्रेंट में, क्योंकि हमारा होता है ना वेरिएबल्स किसमें चेंज हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स में, राइट, तो kth कंस्ट्रेंट में जो आप स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लोगे ड्यूअल में उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो. सपोज क्या कर रहे हैं हम कि अगर मेरा प्राइमल प्रॉब्लम में एक्स वन प्रेजेंट है, बेसिक वेरिएबल ऑप्टिमल आ रहा है, ठीक है, उसका कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब किसके लिए, एक्स वन के लिए, इसका मतलब मैं अगर ड्यूअल में जाऊंगी तो मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए जो मुझे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा वो मेरा जीरो होगा. ठीक है, चाहे स्लैक हो चाहे सरप्लस. क्लियर है, यस और नो? It is saying that if xk is my basic variable in the primal problem, कोई भी problem को अगर आप solve कर रहे हो, अगर वो primal उसको ही नाम बोल दोगे जिसको आप solve कर रहे हो, ठीक है, dual जिसका वो आप लिख रहे हो, right? अगर आप problem को solve कर रहे हो, अगर आपका basic variable present है primal problem में, तो corresponding वही constraint में जो आप slack और surplus add करोगे dual में, वो आपकी value क्या होगी, zero. ये कह रहा है कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर मेरा x1 बेसिक वेरिएबल आ रहा है लास्ट ऑप्टिमल टेबल में,
तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स वन आ रहा है ना, तो अगर मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट को ड्यूअल में स्लैक और सरप्लस ऐड करूंगी तो उसकी वैल्यू मेरी जीरो होगी। क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट, इफ इफ फॉर द kth कंस्ट्रेंट, फॉर द kth कंस्ट्रेंट sk वेरिएबल इज प्रेजेंट इन प्राइमल, जिस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ड्यूअल को सॉल्व कर रहे हो चाहे प्राइमल को सॉल्व कर रहे हो, देन कन्वर्स, यही लिख रही हूं मैं, ठीक है। इफ फॉर द kth कंस्ट्रेंट sk वेरिएबल इज प्रेजेंट इन प्राइमल प्रॉब्लम, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स के वेरिएबल, और यू कैन से वाई के, जो भी आप नाम दोगे, एक्स के वेरिएबल विल बी जीरो इन ड्यूअल। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपका प्राइमल में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना मैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल kth कंस्ट्रेंट के लिए कह रही हूं। सपोज आपने पहले कंस्ट्रेंट में स्लैक नहीं ऐड किया था, आप एस वन और एस टू नाम दे देते हो, तो दूसरी वेरिएबल का प्रॉब्लम एस टू जीरो नहीं होगा। जिस कंस्ट्रेंट में आप स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड कर रहे हो वो वाला kth वेरिएबल जीरो होगा। जैसे सपोज पहले में आपने आर्टिफिशियल वन ऐड किया था, सेकेंड में सपोज एस वन ऐड किया, एस टू ऐड किया, और लास्ट में आपका एस टू की बेसिक वेरिएबल आ रहा है सॉल्व करते हुए, तो ये नहीं है कि x2 y2 वेरिएबल जीरो होगा डुअल में। नो, s2 किस में ऐड किया है? थर्ड कंस्ट्रेंट में, तो आपका y3 वेरिएबल लगाओ जो डुअल में होगा वो जीरो होगा। हो गया अविरल कन्वर्स, ठीक है। सो वी आर डूइंग द एग्जांपल फ्रॉम विच इट विल बी क्लियर, राइट? सो इफ द प्रॉब्लम इज दैट एग्जांपल इज मिनिमाइज z is equal to x1 minus 2x2 plus x3 subject to x1 plus 2x2 minus 2x3 less than equal to 4, x1 minus x3 less than equal to 3, 2x1 minus x2 plus 2x3 less than equal to 2, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, x3 greater than equal to 0, ठीक है? So the first part is that write the dual of the given LPP, write the dual of given LPP, second solve the given LPP, third is using complementary slackness theorem, using complementary slackness theorem, find the optimal solution of dual problem, find the optimal solution of dual problem. So we have given the problem, minimize z x1 minus 2x2 plus x3 subject to these are the constraints. So now you have two ways to write the dual. Either you convert it into the canonical form or you can just directly write. So which way now I should write? Directly. So what will be the dual of the problem? The minimization problem is given to you, right? So the dual will be of maximization, dual of given LPP, dual of given LPP will be your maximization Z. You will have constraints as there are three constraints, that mean in the dual there will be three variables, that will be I am taking Z1, Z2, Z3. So what it will be, this will be my 4Z1,
प्लस 3z2 प्लस 2z3, क्लियर? सब्जेक्ट टू, नाउ यू विल ट्रांसपोज योर ए मैट्रिक्स, दैट योर फर्स्ट कॉलम विल चेंज इनटू रो, दैट विल बी माय z1 प्लस z2 प्लस 2z3, राइट? एंड हेयर सेकेंड कंस्ट्रेंट, दिस विल बी 2z1 प्लस 0z2 माइनस z3, एंड द थर्ड कंस्ट्रेंट विल बी द लास्ट कॉलम ऑफ योर मैट्रिक्स. So the last constraint is 2 minus 2 z1 minus z2 plus 2z3. Here will come the coefficients of your objective function. Kya hai objective function ke coefficient? 1 minus 2 and here it will be 1. Now the sign, we will talk about the sign. This will be z1, 0, z2, 0, z3, 0. Now we will decide the sign. Again, I am repeating, we have max, min over here. This we have ax less than equal to bx greater than equal to 0. Here we will take a transpose ax greater than c. And your y variable greater than equal to 0, objective function, तो आपको बताइए transpose करके लिखना है. The same sign will be of the variable and the constraints. And the opposite sign for the constraint and variable. Problem कौन सी given है? Minimization की. ये वाली problem given है. Sign same किसके रखने हैं? जो आपके वेरिएबल्स के साइन है वो किसके साइन जाएंगे? कंस्ट्रेंट के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे. क्लियर है? बिकॉज वी आर ऑन दिस प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन, तो वी हैव टू टेक केयर दिस प्रॉब्लम. हमने यहां से यहां जाना है, ठीक है? तो किसके लिए सेम रह रहा है? जब आप वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, वेरिएबल्स में यहाँ पे ग्रेटर है और ऑपोजिट हो जाएगा कंस्ट्रेंट में. तो यहाँ पे वेरिएबल्स मेरे क्या है? ग्रेटर. तो कंस्ट्रेंट्स में क्या हो जाएंगे? रिवर्स. और सेम किसके रह रहे हैं? जो मेरे कंस्ट्रेंट्स के यहाँ साइन है वो मेरे किसके सेम रह रहे हैं? वेरिएबल्स के. कंस्ट्रेंट के साइन क्या है? लेस देन. तो मतलब मेरे वेरिएबल्स के साइन के आगे लेस देन. सो दिस इज द ड्यूअल. क्लियर? यस और नो? ठीक है, एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे. आई एम जस्ट राइटिंग द लास्ट वैल्यू जो आपकी आएगी. सो इफ यू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम आपकी यही, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे, सेकेंड कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे, थर्ड कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करोगे किससे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से. यू बिकॉज ऑल योर कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ लेस देन टाइप, तो इसका मतलब यू कैन अप्लाई योर सिंप्लेक्स मेथड. कर लोगे खुद से? आई एम जस्ट राइटिंग द लास्ट टेबल. ओके, सो द ऑप्टिमल टेबल, द ऑप्टिमल टेबल ऑफ गिवन एलपीपी इज, क्यों सेकंड सारे लेस हैं? नीचे जो ड्यूअल, मैं ड्यूअल को सॉल्व नहीं कर रही. आई एम नॉट सॉल्विंग ड्यूअल बिकॉज द क्वेश्चन गिवन टू मी इज आई हैव टू सॉल्व द गिवन एलपीपी, राइट? सो द ऑप्टिमल टेबल ऑफ गिवन एलपीपी इज, आई एम जस्ट राइटिंग द टेबल, दैट इज हियर योर विल बी सीबी एंड दिस इज योर बेसिक वेरिएबल. यू विल हैव वेरिएबल x1 x2 x3 and this you will have s1 s2 s3 and this will be your solution. Here will be your zj minus cj and the basic variable in the last optimal table is coming as x2 s2
x3. The cost coefficient corresponding to that is given to you minus 2. This is 0 and this is 1. So the answer, because your x2 and s2 and x3 are your basic variable, तो उसका zj minus cj क्या होगा? Zero, ठीक है? ये तो अगर मैं ना भी given हो तो भी आप कर लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो गया, आपका x2 का variable zero होगा, आपका s2 का zero होगा, और आपका x3 का zero है, और values दूसरी आ रही है minus 4.5, minus 1.5, minus 1. Your solution is coming as minus 8. Here it is the value 2, 3, 4. And corresponding to x2, yahan kya hoga? 100. S2 ke liye kya hoga? 010. X3 ke liye 001. And other values are coming as 3, 3.5, 2.5. And this value S1 column is coming as 1, 1.0.5, 0.5, 1, 1, 1, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, राइट? यहां से आपको पता है, बिकॉज योर प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, आपके सारे जो जेड जे माइनस सी जे हैं लेस देन जीरो, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है. व्हाट इज माय सोल्यूशन ओवर हियर? ऑप्टिमल सोल्यूशन में मेरा क्या आ रहा है? एक्स टू, अगर मैं बात करूं एक्स वन क्या है? जीरो, क्योंकि एज एक्स वन इज नॉट प्रेजेंट एज बेसिक वेरिएबल. एक्स टू क्या आ रहा है? टू. एक्स थ्री फोर. एस वन जीरो. एस टू थ्री. एस थ्री जीरो. सो दिस इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन. इसमें आपके बेसिक, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इसमें बेसिक वेरिएबल कौन से? आपके एक्स टू, एक्स थ्री एंड एस टू, ये आपके बेसिक वेरिएबल हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट आपका क्या था? दैट आई हैव टू राइट द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल, राइट? ड्यूअल में मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एस वन, एस टू, एस थ्री, जो भी मैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल एड करूंगी. अब हमने सॉल्व नहीं करना उस प्रॉब्लम को, हमने यहीं से ही आंसर देना है. अगर आप उसको लिखते, कन्वर्ट नहीं भी करो उसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, बट इक्वल टू साइन लो जब आपको स्लैक और सरप्लस ऐड करने पड़े. क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम ही चेक कर रहे हो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरिएबल जीरो हो जाएगा. सो इफ यू कन्वर्ट इट इनटू इक्वालिटी साइन, मैं और कुछ नहीं कर रही, इक्वल साइन ले रही हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा? जेड वन प्लस जेड टू प्लस टू जेड थ्री प्लस नया वेरिएबल S1, आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो मैं S1 डैश कह रही हूँ, ठीक है? दिस विल बी योर 1, 2 Z1 प्लस 0 Z2 माइनस Z3. S2 आप यूज कर चुके हो तो S2 डैश कह रही हूँ. S2 डैश मतलब यहाँ ट्रांसपोज नहीं है, जस्ट अ नेम, ठीक है? माइनस 2 Z1 माइनस Z2 प्लस 2 Z3. अगर आप करते S3 डैश इज इक्वल टू 1, ये तो आपका हाई है. Z1 लेस देन 0, Z2 लेस देन 0, Z3 लेस देन 0. और आपके S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? ये अब आपकी प्रॉब्लम है. ऊपर आप ऐड कर ही दोगे जीरो इंटू S1 डैश, S0 इंटू S2 डैश, ठीक है? अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम यूज करनी है. इसमें नहीं ऐड करा वो, दिस इज योर गिवन एलपीपी. मैं यही कह रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी. आई एम नॉट राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर ड्यूअल. प्राइमल कैन बी एनी, तो उसको सॉल्व नहीं ना किया मैंने. अभी के लिए मैंने सॉल्व एक प्रॉब्लम को किया है और मुझे आंसर दूसरी प्रॉब्लम का देना है, ठीक है? So you can solve any problem, then you can find the relationship between them, right? अब हमारा relationship start होता है, ठीक है? कि हमारा optimal solution, मुझे dual की बात करनी है,
मतलब ड्यूअल में मेरे वेरिएबल कौन से हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री, एस वन डैश एस टू डैश एस थ्री डैश, आपको इनके आंसर्स निकालने हैं ना। अब वो क्या कह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम में कि अगर आपका एक्स के प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली स्लैक वेरिएबल केथ कंस्ट्रेंट में जीरो होगा। एक्स टू प्रेजेंट है, एक्स टू प्रेजेंट इन बेसिक वेरिएबल, इसका मतलब सेकंड कंस्ट्रेंट में, ड्यूअल के सेकंड कंस्ट्रेंट में जो मेरा स्लैक और सरप्लस क्या ऐड किया था मैंने, स्लैक वेरिएबल राइट, तो एस टू डैश मेरा क्या होगा जीरो, इसका मतलब मेरी इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो। क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक्स थ्री फिर बेसिक वेरिएबल है, एक्स थ्री बेसिक वेरिएबल है, इसका मतलब मैं किसकी बात करूंगी, थर्ड कंस्ट्रेंट की। थर्ड कंस्ट्रेंट ड्यूअल में मैंने क्या ऐड किया, स्लैक और सरप्लस स्लैक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, इसका मतलब एस थ्री डैश भी क्या हो गया जीरो हो गया। अब आपका एस टू प्रेजेंट है एज अ बेसिक वेरिएबल, एस टू इज प्रेजेंट एज बेसिक वेरिएबल, इसका मतलब एस टू मतलब सेकंड, एस टू ये नहीं करना, एस टू आपने कहां पे ऐड किया था, प्राइमल प्रॉब्लम में सेकंड कंस्ट्रेंट में, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे कि जैसे आप नाम देते हो सो इट विल बी इजी कि जिस कंस्ट्रेंट में आप ऐड कर रहे हो ना स्लैक और सरप्लस उसी का इंडेक्स दो, क्योंकि नाम ही है। अगर आप सेकंड कंस्ट्रेंट में ऐड कर रहे हो स्लैक और फर्स्ट में नहीं किया, अगर जैसे सपोज आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम ग्रेटर होती, नेक्स्ट होती लेस और ग्रेटर, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो आप यहाँ लिखते ना ए वन यहाँ ऐड किया तो फिर आप एस वन लिख देते हो, ठीक है। तो बेटर है कि इंडेक्स में आपको प्रॉब्लम ना आए, तो क्योंकि आप सेकंड में ऐड करें उसको नाम दे दो एस टू, इसको नाम दे दो एस थ्री, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना होए कि स्लैक वेरिएबल कौन से कंस्ट्रेंट में ऐड किया था, राइट। सो एस टू बेसिक वेरिएबल था सेकंड कंस्ट्रेंट में, इसका मतलब मेरा सेकंड वेरिएबल ड्यूअल में क्या हो जाएगा जीरो, मतलब मेरा जेड टू क्या हो जाएगा यही वो है, क्योंकि दैट्स एक्चुअली यू राइट द ट्रांसपोज, ठीक है। इस वजह से ही कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज व्हाई वी आर सेइंग सो, कॉम्प्लीमेंट्री जब हम ड्यूअल लिखते हैं हम क्या करते हैं, जो सी मेरी मैट्रिक्स होती है वो मेरी राइट हैंड साइड ही नहीं बन जाती, इस वजह से वो मेरे जीरो हो जाते हैं। और क्योंकि आपके एस वन एस टू एस थ्री के कोफिशिएंट वहां जीरो होते हैं, तो अगर वो प्रेजेंट है उसमें तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एस वन एस टू एस थ्री आपके जीरो हो जाएंगे। अगर जेड वन प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस वन एस टू थ्री जीरो होंगे, अगर आपका स्लैक प्रेजेंट है तो आपका वेरिएबल जीरो होगा, ठीक है। अब आपका एस टू जीरो था, नाउ यू हैव जेड टू जीरो एस टू डैश एस थ्री डैश, जो आपका ड्यूअल था जब आपने ड्यूअल लिखा, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, सिक्स वेरिएबल्स हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री एस वन डैश एस टू डैश एस थ्री डैश, इसमें से आपको तीन वेरिएबल्स की वैल्यू तो पता चली गई, बाकी तीन की निकाल सकते हो। यहाँ पे आप अपनी किसकी वैल्यू पुट करोगे, एस टू डैश की, एस थ्री डैश की, और आपके वेरिएबल जेड टू को जीरो पुट कर दोगे। यू विल सॉल्व द सिस्टम फॉर थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ योर ऑल द वेरिएबल्स। सो इफ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ जेड टू एस टू डैश S3 dash in, I am giving a name, suppose मैंने इसको नाम दे दिया star, ठीक है। In star the equations are, क्या equations बनेंगी, डालो value z1 z2 z3 को, मुझे बार बार ऊपर करना पड़ेगा, यस टेल मी, पहला कंस्ट्रेंट क्या है, जेड वन तो रहेगा प्लस टू जेड थ्री
plus s1 dash is equal to 1. Next constraint, 2z1 minus z3 equal to 2 minus 2. Next, राइट ड्यूअल में माइनस ड्यूअल में पुट कर रहे हैं हम स्टार इक्वेशंस में राइट माइनस टू जेड वन प्लस टू जेड थ्री इक्वल टू वन. नाउ यू हैव थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. सो दैट मींस योर जेड इन वन इज कमिंग एज माइनस थ्री बाय टू. Z2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. Z2 आपका जीरो आ रहा है और Z3 आपका आ रहा है माइनस वन. ठीक है. सो S1, S2 डैश, S3 डैश तो आपको चाहिए नहीं होते. आपको सॉल्यूशंस के लिए बस Z1, Z2, Z3 चाहिए. ठीक है, समझ आ गया. मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप दूसरे का आंसर दे सकते हो. ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस. बेसिक वेरिएबल तो मैंने यही लिखा है ना, x2 के लिए. नो नो नो, जीरो नहीं करना. z2 तो ऑलरेडी आपका जीरो आ गया था. जीरो कर दिया मैंने उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली. देखो मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम यूज करके ही लिखा है, क्योंकि मेरा x2 प्रेजेंट था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पता है सिर्फ s2 डैश जीरो हो सकता है, वो मैंने कर दिया. x3 मेरा x3 प्रेजेंट था तो इसका मतलब s3 डैश जीरो हो सकता है, बट s2 मेरा प्रेजेंट था तो z2 जीरो हो गया. पर मुझे आंसर थोड़ी ना पता चला अभी. मैंने सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो कुछ नहीं ना बोला. मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूअल में स्लैक और सरप्लस जीरो होगा. अगर स्लैक और सरप्लस प्रेजेंट है तो ड्यूअल में कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल जीरो होगा. तो मैंने वैल्यूज तो अभी कही नहीं कि ड्यूअल का आंसर क्या होगा. यहां से तो आपको स्लैक और यहां से जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम करी तो क्योंकि आपका एस टू प्रेजेंट था तो जेड टू जीरो हो गया. X2 प्रेजेंट था तो स्लैक वेरिएबल जीरो हो गया सेकंड कंस्ट्रेंट का. X3 प्रेजेंट था तो S3 जीरो हो गया. बट व्हाट अबाउट Z1, Z3 एंड S1 डैश, इसकी वैल्यूज क्या होंगी? ये हमें सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, हमेशा इस तरह से कॉम्बिनेशन ही आएगा क्योंकि Here you have m equation, there you have m variables. N तो हमेशा आपके m minus n variables zero होंगे ही होंगे. ठीक है, the combination will remain same in the dual. Clear है? This is the one method that you can use complementary slackness theorem. There is one more method, right? That you can find the optimal solution of another problem, and that says if your optimal table of one problem is given to you, then seeing that table, you don't use complementary slackness theorem, you can give the answer. ठीक है, कोई theorem आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा zero करना है कौन सा zero नहीं, but उसमें थोड़ा trick का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, example करते हैं, example से ही बता दूं. So the another method is without using slackness theorem, without using complementary slackness theorem, find the optimal solution of the dual problem. Dual problem by solving the given LPP. By solving the given LPP. So the LPP is given to you. Minimize Z. Minimize Z.
minimize z 2x1 plus x2 subject to constraints 3x1 plus x2 is equal to 3, 4x1 plus 3x2 greater than equal to 6, x1 plus 2x2 less than equal to 4, x1 greater than 0, x2 greater than equal to 0, right? So you have given this LPP. अब अगर इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम यूज करती करना पड़ता तो यहाँ पे आप फर्स्ट वेरिएबल में अगर एलपीपी को सॉल्व करते तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते, सेकंड में आपको सरप्लस ऐड करना पड़ता, थर्ड में स्लैक। बट अगर आप सेकंड वाले वेरिएबल को नाम दे देते s1 तो लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाते, s1 की जगह आपने y1 ही जीरो करना, s1 आपने ऐड किया है सेकंड कंस्ट्रेंट में तो आपका सेकंड वेरिएबल जीरो होगा, पहला वेरिएबल नहीं। इसीलिए ही मैं कह रही थी कि अगर आप सेकंड उस पे बात कर रहे हो, दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड कंस्ट्रेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसमें स्लैक और सरप्लस का नाम भी वही दे दो, मतलब उसका इंडेक्स वही दे दो, ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो कि आपने ऐड कहाँ किया था, ठीक है? बिकॉज आई हैव रिटन इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम दैट एसके इज स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इन kth constraint, right? Clear है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Difference clear है, right? So if this LPP is given to you, उसने आपको वैसे तो dual लिखने के लिए कहा ही नहीं कि dual लिखो, बस वो कह रहा है कि dual का मुझे answer बता दो क्या होगा। तो अगर वो सिर्फ answer ही पूछना है तो जरूरी नहीं है आपको dual लिखना है, ठीक है? But for your simplicity, you can write your dual। लिख लोगे? क्या होगा इसका dual बताना? मिनिमाइजेशन किस में चेंज होगी? मैक्सिमाइजेशन में। कितने होंगे वेरिएबल्स? 3z1 प्लस 6z2 प्लस 4z3 सब्जेक्ट टू 3z1 प्लस 4z2 प्लस z3 z1 प्लस 3z2 प्लस 2z3। हियर यू विल हैव 2 1 फॉर z1 z2 Z3 0। पहला कंस्ट्रेंट आपका इक्वल है, इसका मतलब Z1 क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। साइंस पे आ जाओ, कैसे रखोगे साइन? किसके सेम रह रहे हैं? वेरिएबल्स के साइन यहाँ क्या हो जाते हैं? ओपोजिट कंस्ट्रेंट्स के। तो वेरिएबल के साइन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लेस। सेम साइन किसके रहते हैं? कंस्ट्रेंट्स के, क्योंकि इस प्रॉब्लम पे हो आप, ठीक है? सेम साइन किसके रह रहे हैं? यहाँ के कंस्ट्रेंट के और वेरिएबल्स के। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर, और यहाँ पे क्या आएगा? लेस, ठीक है? ड्यूअल, बिकॉज आई हैव दिस थिंग, बिकॉज आई हैव मैक्स एंड मिन, दिस रिमेम्बर ओनली ax ग्रेटर देन इक्वल टू बी। Sorry, here it will be for the canonical form, it will be less than, here it will be greater, x greater than 0, x greater than 0. So if you want to write the dual, this will remain same and this will opposite. So abhi aap currently you are on this problem. So kaise rakhoge? Same kiske reh rahe hain? कंस्ट्रेंट्स के साइन सेम एज वेरिएबल जा रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट थे इक्वल, ग्रेटर और लेस। इक्वल, फॉर योर इक्वल कंस्ट्रेंट्स देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। कॉम्पिटिटिव क्यों है? आप इक्वल टू को कंस्ट्रेंट में चेंज करो, कैनोनिकल में लेके आओ, मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था ना। Unrestricted, it can be above or it can be below. But जब आप present, जब आप solve करते हो, standard form में इसको convert करोगे ना, z1 plus minus z1 minus करते हो ना। But basic variable जब आप solve करोगे optimal table को, तो आपके z1 और z1 minus ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही present हो, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर z1 प्लस भी प्रेजेंट होगा, z1 माइनस भी प्रेजेंट होगा, अगर आप इक्वेशंस में आओगे तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो रहा होगा बेसिक वेरिएबल के लिए, ठीक है?
बट अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो बेसिक नहीं ना रहा, यू विल हैव नॉन बेसिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। इसीलिए या तो जेड वन प्रेजेंट प्लस होगा या जेड वन माइनस प्रेजेंट होगा। अगर जेड वन प्लस रहा तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही रह रहे हो, अगर जेड वन माइनस है तो आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर कंस्ट्रेंट्स टू द वेरिएबल्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो है, इक्वल टू मीन्स दिस इज अ लाइन, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द वेरिएबल, तो वेरिएबल को कैसे करोगे रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट नहीं ना रहा, रिस्ट्रिक्ट तो ये सेंस दे रहा सिर्फ, सो दैट विल बी योर अनरिस्ट्रिक्टेड, क्लियर। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर आपका ऐसा हो रहा है कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमने जो क्लास में करते हैं वी स्टार्ट टेक कि हमारे वेरिएबल जीरो हो जाते हैं, बट अगर नहीं है तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कोई भी मेथड लगाने से पहले, चाहे सिंप्लेक्स, चाहे बिग एम, चाहे और आर्टिफिशियल। तो अगर आपका अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उसको आप चेंज करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि दो जो वेरिएबल्स आप ले रहे हो वो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट आए, ठीक है। या तो उसमें जेड वन प्लस आ रहा होगा या जेड वन माइनस आ रहा होगा बेसिक वेरिएबल में, अगर आपका जेड वन प्रेजेंट है, ठीक है, तभी वो इक्वल टू साइन में लेके आएगा। नॉन बेसिक तो जीरो ही होते हैं, तो क्योंकि फिर वो इक्वालिटी पे सेटिस्फाई करेगा ना, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो आप लेते हो लेस देन ग्रेटर देन, तो मतलब ग्रेटर देन पे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो ऊपर वाला सिर्फ इक्वल टू पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सो दिस यू हैव रिटन ड्यूअल, राइट, यू कैन सॉल्व द गिवन एलपीपी, आई एम जस्ट राइटिंग द ऑप्टिमल टेबल, द ऑप्टिमल टेबल of given LPP is here, you will write CB basic variable, जब आप convert करोगे you will have x1 x2, पहले में आप artificial variable भी add करोगे, so you will have s1 s2 variable, चाहे आप s2 और s3 नाम देना, ठीक है, artificial variable present and your this solution. And here you will write your ZJ. A1 तो मैंने first में add किया ना, ठीक है। अगर आपका artificial variable present है उसमें primal problem है, इसका मतलब वो तो infeasible है, तो दूसरी problem क्या होगी, या तो unbounded है या infeasible है, ठीक है। Just you will write this, the LPP will be unbounded or infeasible. ठीक है, अनबाउंडेड में भी आप आंसर नहीं बताते, इनफिजिबल का तो आप आंसर ही नहीं बताते। हाँ दो होंगे ए वन और ए टू, ठीक है। सो इफ यू विल राइट द लास्ट ऑप्टिमल टेबल इज कमिंग, एक्स वन विल बी प्रेजेंट, एक्स टू विल बी प्रेजेंट एंड एस टू विल बी प्रेजेंट, द कॉस्ट कोफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वन इज टू, एक्स वन इज वन एंड एस टू इज जीरो, हेयर x2 zero, here x1 will be zero because s2 is present, so this will be your, not s3 is present, not s2, s3 is present, so for that you will have zero over here and the solution here is 3 by 5, 6 by 5, zero and here the column is 1, 0, 0 because x2 is present, 0, 1, 0. S3 is present 0, 0, 1 and this is your 1 by 5 minus 3 by 5, this will be your 1 and for this A1 and A2 it is coming as 3 by 5 minus 1. I will tell you why I am writing the A1 and A2 column, right? 1, 6 by 5 और इसके लिए आपका आ रहा था, अगर आप big M लगाओगे 2 by 5 minus M, this is 2 by 5 minus M. ऑप्टिमल टेबल निकाल लोगे ना खुद से, जस्ट यू हैव टू अप्लाई बिग एम मेथड।
अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम यूज नहीं करनी है, आपको आंसर बताना है। आपका आंसर क्या होगा? यहां पे आपका जब आप करते थे, अगर आप मैथमेटिकल यूज करते थे टर्म एक्स बी का, आंसर इसका निकाल लेना, दिस इज 2 × 3/5 + 1 × 6/5 होगा, ठीक है? दैट इज योर 6/5 + 6/5, दैट इज 12/5, ठीक है? जो आप ये वाला आंसर निकालते थे, एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता था एक्स बी का? बी इनवर्स इंटू बी, यही होता था ना। बी आपकी मैट्रिक्स कौन सी होती थी? बेसिक वेरिएबल के कोफिशियंट की मैट्रिक्स, और उसका इनवर्स निकालते थे। जब आप ड्यूअल में जा रहे हो तो आपका बी क्या बन रहा है? जब आप ड्यूअल में जा रहे हो तो आपका बी बन क्या रहा है? ड्यूअल में बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशियंट नहीं आ रहे। व्हाट यू राइट द ड्यूअल, जब आपका यहाँ पे सी एक्स होता है तो आपके ड्यूअल में यहाँ सी ट्रांसपोज नहीं आता। सिंबॉलिकली कह रही हूं मैं, यही नहीं होता, सी ट्रांसपोज आ जाता है। तो अगर मुझे उसका आंसर बताना है तो होगा क्या? वो ड्यूअल में तो आपका एक्स बी यही है ना, दिस इज योर आंसर, ठीक है? दिस इज योर आंसर कि आपका एक्स वन है 3/5, एक्स टू आपका वेरिएबल है 6/5, और आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम किस पे है? 12/5 पे, ठीक है? ड्यूअल में मैं वही कह रही हूँ, एक्स बी आपका आता क्या है? बी इनवर्स इंटू बी, ठीक है? तो अगर आपने ड्यूअल के निकालने हैं, ड्यूअल में कितने वेरिएबल्स हैं? कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? 3, मतलब आपके वेरिएबल हैं z1, z2, z3, ठीक है? चेंज किसको कर रहे हो? बी को चेंज कर रहे हो ना ड्यूअल में। बी की जगह आ क्या रहा है? कॉस्ट को। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सी बी ट्रांसपोज इंटू योर बी इनवर्स। जो बेस, ये सी बी मतलब कॉस्ट कोफिशियंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन प्राइमल प्रॉब्लम, नॉट इन ड्यूअल, बिकॉज हम उसी बी को चेंज कर रहे हैं सी के लिए। समझ आया रिलेशन? तो सी बी एक्स का ट्रांस वो क्या है? 2, एक्स टू का क्या है? 1, एस थ्री का है 0। बी इनवर्स कैसे निकालोगे? आपको टेबल से ही पता चल जाएगा। आप प्लस टू में ना थ्योरम करते थे, टेक्स्ट लगाते थे, अगर आपने इनवर्स लगाना होता था आप ये फॉर्मूला भी यूज करते थे ना, दैट यू मेक दिस एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इसका क्या बन जाता था? इनवर्स लास्ट में करते थे ना, कोई भी मैट्रिक्स होती थी, यहाँ पे आप आइडेंटिटी 2×2 की लूं, तो जो जो आप ऑपरेशन यहाँ पे लगाते थे वो यहाँ साथ साथ लगते जाते थे, तो एंड में ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती थी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाती थी? इनवर्स। इसका मतलब जब आप प्राइमल टेबल स्टार्ट करते हो, सबसे पहला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या लेके चलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो क्या क्या मैट्रिक्स लेके चलते? जो वेरिएबल आपके होते आइडेंटिटी बनाते, वो कौन से बनाते? पहले में A1, दूसरे में A2, तीसरे में S3, ठीक है? यही आइडेंटिटी बनाते। इसका मतलब अब आपने ऑपरेशंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही तो लगाया है। इसका मतलब जो लास्ट के ऑप्टिमल टेबल में आपका A1 के नीचे कॉलम होगा, A2 के नीचे कॉलम होगा, और S3 के नीचे कॉलम होगा, दैट विल बी योर बी इनवर्स। क्लियर है? तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। सो बी इनवर्स आपका क्या होगा? जो आपका लास्ट में A1 का कॉलम आया, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम A1, लास्ट में जो A2 का कॉलम आया और S3 का, क्या कॉलम आया A1 का? 3/5 - 4/5 1 - 1/5 3/5
6/5 and this is your 0, 0, 1. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर इज कमिंग एज योर -2/5, 1 and 0. मतलब आपका कॉलम वेक्टर आ जाएगा क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज लिखोगे इस तरीके से. सो इट विल कम एज 2/5, दिस विल कम एज 1, दिस विल कम एज 0. इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है. चाहे आप बी इनवर्स उस तरीके से निकालो, अगर इस तरीके से नहीं रहता कि बी आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लो बेसिक वेरिएबल की, उसका इनवर्स निकालो, तब भी आपका यही आंसर आएगा जो आप ये लिख रहे हो. क्लियर है ये स्टेप? ये चीज क्लियर है अविरल? ठीक है. तो जब आपने स्टार्ट किया होगा टेबल, आपका ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहा था? A1, A2 और S3. तो इसका मतलब जब आप ऑपरेशंस लगा रहे हो एंड में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कोई और आ गई ना. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे क्या होगा? उसका इनवर्स ही होगा ना. सो A1 का कॉलम, ये लास्ट टेबल था, A1 का कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम इनवर्स का, A2 का कॉलम हो गया सेकेंड कॉलम इनवर्स का, S3 का लास्ट कॉलम हो गया लास्ट कॉलम ऑफ योर बी इनवर्स. क्लियर है? यस और नो? शुड आई रिपीट? ये हर जगह चलेगा, बट ध्यान रखना एक चीज का, जस्ट अ रिमार्क ओवर हियर. ठीक है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूअल लिखने के लिए, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में आप क्या करते हो, अगर जैसे आपकी पिछली वाली ही प्रॉब्लम होती, ठीक है, जैसे हमने ये प्रॉब्लम लिखी थी, ये आपकी प्रॉब्लम लिखी थी ना हमने, आपके S1, S2, S3 ही बेसिक वेरिएबल थे, तो इसका मतलब आपका लास्ट में इनवर्स ये है. ठीक है, अगर यहां से भी निकालोगे आपका आंसर आएगा Z1, Z2, Z3 का द कॉस्ट कोफिशियंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, मतलब 2 -1 -2 -1 0, और ये वाली आपकी मैट्रिक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट अगर आपने इसको कैनोनिकल में कन्वर्ट किया होता, कैनोनिकल में कन्वर्ट करने के लिए ड्यूअल क्या लिखते, इन प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम्स थी ना, मिनिमाइज की प्रॉब्लम्स थी, तो आपके सारे कंस्ट्रेंट्स क्या होते, ग्रेटर देन. ग्रेटर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, माइनस से, तब आपका आंसर ड्यूअल का होता -Z1 -Z2 -Z3, वही वाला स्टेप कि सी बी ट्रांसपोज ए बी इनवर्स. क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट्स को ऑलरेडी ग्रेटर बना दिया था. समझ आया? यस और नो? अगर आप लिखोगे ना इसका आंसर इस तरीके से निकालोगे Z1, Z2, Z3 का, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया, दैट्स वाई अगर आप यहां पे लिखो, मुझे यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, सीबी ट्रांसपोज बी इनवर्स मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि मैंने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया. सपोज कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लेस की जगह ऑलरेडी ग्रेटर होता, तो आपने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को चेंज किया था, मतलब नेगेटिव किसके लिए जाता, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए, और थर्ड के लिए लास्ट सेकंड वाला सेम रहता. क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? यस और नो? ठीक है, बट यहाँ पे ये लेस था, सारे ही कंस्ट्रेंट लेस थे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी. एनी डाउट लास्ट में लेके चलूं? चाहे आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम लगाओ, द आंसर विल बी सेम. जैसे मर्जी लिख लेना. एक्चुअली मैंने सीबी ट्रांसपोज भी नहीं ना करा, सीबी ऐसे लिख दिया, आना ट्रांसपोज सही है था. ठीक है, यहाँ पे सीबी कर दो, बी इनवर्स. ठीक है, वो एक्चुअली मैं आपको उसके रिलेट करके बता रही थी, तो मैंने ट्रांसपोज लिखना था, अदरवाइज कॉलम वेक्टर आता अगर मैं ट्रांसपोज से लिखती. सीबी ट्रांसपोज भी लिखा था अभी.
सीबी बी इनवर्स, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ये, चाहे आप कोई भी लगाओ आंसर. द कॉस्ट, बस ये याद रखो, द कॉस्ट कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनटू योर बी इनवर्स, दैट विल बी द आंसर ऑफ योर ऑप्टिमल ड्यूअल प्रॉब्लम.